मैं आज बनाऊंगी नमक पारे, जिसको कि कोई कोई मठरी भी बोलता है और कोई कोई मटर भी बोलते हैं। आटे के मैं बनाऊंगी। उसके लिए मैं ले लूंगी ये आटा, 3 कप आटा ले लूंगी। 3 कप में बहुत बनेंगे। इसमें अब हम बाइंडिंग के लिए 2 स्पून बेसन डालेंगे और साथ में नमक तो स्वाद के अनुसार मैं 1 स्पून नमक डालूंगी इसमें। ये है अजवाइन, अजवाइन भी 1/2 स्पून डालेंगे, मगर अजवाइन को पहले ऐसे क्रश करेंगे थोड़ा सा, उससे इसमें खुशबू अच्छी आती है। अब ये भी इसमें डालेंगे। इन चीजों को पहले अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम घी डालेंगे 3 स्पून। अगर घी नहीं खाते हैं तो वो ऑयल भी डाल सकते हैं। ये देसी घी है, ये मैं इसमें 3 स्पून घी डालूंगी, उससे ये थोड़े से खस्ते बन जाएंगे। 3-4 स्पून डाल सकते हैं। इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे आटे में। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदेंगे, मगर ये थोड़ा सा सख्त रखना है आटा। ये गया हो गया है आटा, इसको हमने थोड़ा सा हार्ड ही गूंदा है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोलेंगे। आटा भी हो गया थोड़ा सा सॉफ्ट, इसको थोड़ा सा हम और गूंदेंगे। पहले हम लेंगे आधा आटा इसमें से, उसको बेलेंगे अच्छे से। इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अगर ये बेलन के साथ चिपकेगा तो थोड़ा सा ऑयल लगा लेना। ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है इतना। इसको अब हम या तो चाकू की मदद से ऐसे काटेंगे, नहीं तो वो पिज्जा कटर से ऐसे काटेंगे। ये ज्यादा लंबे हो चुके हैं, अब हम इनको साइड से ऐसे काटेंगे थोड़ा सा। ये ऐसे बनेगा, ऐसे हम ये सारा उठाएंगे। ये मैंने यहां बना के रखे हैं आधे। अब मैं एक और बेलूंगी। इसको भी मैं ऐसे ही काटूंगी, ये लंबा ज्यादा रह गया। अब इसको मैं साइड से भी ऐसे कट करूंगी। अब हम इनको फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करना है, उसके लिए मैं लूंगी ऑयल ज्यादा थोड़ा सा। गैस को हम फुल पे रखेंगे जब तक तेल गर्म हो जाएगा। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये सारे मठरी डालेंगे, नमक पारे ये डालेंगे इसके अंदर। अभी हम गैस की फ्लेम खुली रखेंगे जब तक ना ये थोड़ा सा पक जाएंगे। हल्का सा इनका कलर चेंज हुआ 1 मिनट के लिए। अब हम गैस की फ्लेम लो करेंगे। गैस की फ्लेम कम करने पे ये अच्छे से खस्ता बन जाएंगे, धीरे धीरे जैसे पक जाएंगे। ये हो चुके हैं, ये देखिए। अब मैं इनको निकालूंगी। मैं इनको इस जाली में निकालूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे थाली में आ जाएगा। इसमें हम और डालेंगे। अब हम गैस की फ्लेम फिर से तेज करेंगे।
ये बन गए सारे नमक पारे, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये, आप देखिए इसे। इनको मैंने जाली में रखा है ताकि सारा तेल नीचे गिर जाए, सारा तेल इनका नीचे निकल गया। अब हम इनको एयर टाइट जार में डालेंगे, फिर ये बहुत टाइम तक हम खा सकते हैं। इनमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालने हैं, इसलिए ये ज्यादा दिनों तक चल जाएंगे। ये मैंने इसमें आधे डाले हैं, इनको एयर टाइट हम बंद करके रखेंगे ढक्कन लगा के, जब भी खाने हो बस निकाल के खा लिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।